तो जो वीनस फैमिली है उसके अंदर जो उसकी मम्मा है वो खाना बना रही है, नहीं कुछ मिट्टी के पॉट बना रही है, और जो उसके पापा है वो क्या कर रहे हैं, कचरा निकाल रहे हैं, और सेकंड नंबर के पिक्चर के अंदर वो सब क्या कर रहे हैं, एक साथ खाना खा रहे हैं, और थर्ड नंबर में उसके मम्मी पापा न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो फिर घूमने जा रही है साइकिल लेके। और जो रानी का फैमिली है उसके अंदर उसकी मम्मी क्या कर रही है, खाना पका रही है, फिर जो रानी है वो उसके पापा और चाचा है उनको खाना परोस रही है, और फिर खाना खाने के बाद जो रानी है और उसकी मम्मी है वो क्या कर रही है, खेत में जा रही है और कुछ सामान उठा के लेके आ रही है, और उसके जो पापा है वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो देखो हम ये दोनों की दोनों फैमिली से के अंदर हमें कंपेयर करना है कि कौन किसकी फैमिली बेस्ट है और किसके घर का एटमोस्फियर सुपर है और किसके घर का एटमोस्फियर डल है। तो देखो जो विनु की फैमिली है उसके अंदर हमें देखना मिला है कि उसकी मम्मी भी काम कर रही है, उसके पापा भी काम कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। थर्ड नंबर में वो लोग पूरे के पूरे तीन जन घर में है तो साथ में ही खाना खा रहे हैं, तो एक खा लिया दूसरा खा लिया वैसे नहीं है, सब मिलके साथ में बैठ के प्यार से खाना खाते हैं। और देखो उसकी मम्मी और पापा सब काम सब पूरा करके फिर साथ में बैठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, साथ एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, और फिर जो हमारी मीनू है वो भी उसकी मम्मी पापा को बैठे हुए देख के वो भी फ्री है और वो खुद भी फ्री होके अब साइकिल चला रही है। तो उनकी फैमिली एकदम हैप्पी फैमिली है, कोई काम का बोझ नहीं है और ना ही तो कोई स्ट्रेस है, सब एक दूसरे की हेल्प करके अच्छे से प्यार से रहते हैं। जैसे कि रानी की फैमिली दिखाई दे रही है उसके अंदर ओनली उसकी मम्मी ही काम कर रही है, देखो चूल्हे पर खाना बना रही है, फिर उसके पापा है उसके चाचा है तो जो रानी की रानी है उसकी मम्मी की हेल्प कर रही है खाली, और वो भी खाना परोसने के लिए, और फिर तो उसकी मम्मी खाना पका के घर का काम करके फिर खेत मजदूरी भी करने के लिए वो बाहर जाती है और बाहर से सामान खुद उठा के भी लेके आती है, जो कि उसके पापा है कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली न्यूज पेपर बैठे बैठे पढ़ रहे हैं। तो ये रानी की फैमिली है, वो बैकवर्ड टाइप की फैमिली इधर दिखाई दे रही है कि उसके अंदर कोई केयरिंग नहीं है पर्सन का, ना तो कोई किसी की चिंता फिक्र लग रही है इसके अंदर कि कोई वो उसकी मम्मी अकेला काम कर रही है या उसकी रानी और उसकी मम्मी खाली सब सब कर रही है, बाकी के सब ऐसे ही बैठे रहते हैं खाना पीते हैं बस ऐसे। तो हम इन दोनों दोनों पिक्चर में से हमें किस फैमिली की तरह रहना चाहिए वो हमें खुद डिसाइड करना चाहिए। मुझे तो लगता है कि विनस फैमिली इज बेस्ट, हेल्प करो एक दूसरे की और अपना काम खुद करो, और जो बन सके घर में उतनी उतना काम हम खुद कर सके उसका इतना ट्राई करो। तो देखो नीचे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, क्या बोला है कि लुक एट द टू फैमिली पिक्चर हियर बिलो, जो दो पिक्चर दिए हैं उसके अंदर आपको देखना है और क्या करना है, मैंने जैसे कि बताया डिफरेंट डिफरेंट देखना है और उसके अंदर से कौन सी फैमिली बेस्ट है वो डिसाइड करके हमें उसको उस तरह से रहना है। तो देखो क्या दिया है, विच टाइप ऑफ वर्क इज डन बाय बोथ द फैमिली, क्या बोल रहे हैं कि दोनों फैमिली है, विच टाइप ऑफ वर्क डन बाय बोथ द फैमिली, दोनों की दोनों फैमिली है वो दोनों की फैमिली कैसे वर्क करती है। तो जो विनस की फैमिली है वो हेल्पिंग टूगेदर एंड क्या है कि ईटिंग टूगेदर एंड क्या बोल रहे हैं कि एक साथ लव टूगेदर, बराबर सब साथ मिलके रहते हैं, खाना भी साथ खाते हैं, काम भी साथ करते हैं, लेकिन क्या रानी की फैमिली के अंदर कोई एक दूसरे के साथ रहता ही नहीं है और सब एक बस अपने तरीके से आप जीते हैं। तो दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखो, इफ योर फैमिली लाइक एनी वन ऑफ दिस फैमिली, आपका जो फैमिली है तो क्या दोनों में से कौन से टाइप का है और कौन सा टाइप का फैमिली आपको पसंद आया। तो आई लाइक विनस फैमिली बिकॉज देयर इज सो केयरिंग एंड हेल्पिंग फुल फैमिली, इफ यस लाइक विच वन एंड हाउ इज योर फैमिली लाइक देयर, आपको कौन सा फैमिली पसंद है आपकी फैमिली को और कौन किस तरह का फैमिली आप बनना पसंद करोगे वो आपको लिखना है और ट्राई करना है। और मैं तो कहूँगी तो विनस फैमिली
फैमिली है जो उसकी तरफ से ही आपको रहना चाहिए। पीछे देखो पेज नंबर 96 पर डू ऑल द पीपल इन योर फैमिली ईट टूगेदर इफ नॉट व्हाई। क्या बोल रहे हैं देखो कि जो आपका फैमिली है वो क्या एक दूसरे के साथ बैठ के खाना खाता है? अगर नहीं है तो क्यों? तो बहुत सारे रीजन हो गए उसके हिसाब से कि कोई मम्मा होगी पापा होगी वो अपने अपने काम में व्यस्त होंगे, मतलब के अलग अलग जॉब होगी, टाइम सेटिंग नहीं होगा खाने को पीने का तो अलग अलग खाते होंगे, बाकी तो सारे के सारा फैमिली एक दूसरे के साथ ही बैठ के खाते है। तो लिखना है हमको कि यस, अगर नहीं है तो नो लिखना है, यस है तो यस लिखना है, और कौन सा रीजन है वो यहाँ पर हमको लिखना है। हाउ कैन दूसरा देखो नीचे, हाउ कैन यू हेल्प इन कुकिंग, आप किस तरह की हेल्प करते हो कुकिंग के अंदर? तो आई हेल्पिंग यू चपाती मेकिंग, चपाती फिर क्या है जो वेजिटेबल्स फ्रेशिंग बहुत सारा काम करते हैं। वैसे आप मम्मी को कौन सा काम कराते हो कुकिंग के अंदर वो आपको लिखना है। Who does not have in cooking your family advice? आपकी फैमिली के अंदर कुकिंग के अंदर कौन हेल्प नहीं करता है और क्यों भाई वो आपको लिखना है। तो इन माई फैमिली माई फादर इज नॉट हेल्पिंग इन कुकिंग, मेरे फैमिली के अंदर मेरे पापा हेल्प नहीं करते बिकॉज ही वॉज गोइंग टू जॉब, बराबर। तो आपको आपकी फैमिली के अंदर कौन नहीं करता है वो आपको डिसाइड करना है और लिखना है। देखो नीचे क्या लिखा है, इन द टेबल सम ऑफ द वर्क डन इन द हाउस हैज बीन मेथड, फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस एंड हु डज देम इन योर फ्रेंड हाउस, यू कैन एड सम अदर वर्क्स आल्सो टू द लिस्ट। क्या बोल रहे हैं कि इन द टेबल, ये जो हमें टेबल दिया गया है सम ऑफ द वर्क्स उसके अंदर थोड़े काम भी दिए गए हैं, इन द हाउस हैज बीन मेथड और फाइंड आउट हु डज देम इन योर हाउस, उसके हिसाब से आपके फैमिली के अंदर कौन काम करता है और आपकी फ्रेंड की फैमिली के अंदर कौन काम करता है वो आपको लिखना है। तो देखो कुकिंग, तो इन योर इन माई हाउस, माई हाउस माई मम्मा इज कुकिंग ऑल द थिंग्स एंड इन माई फ्रेंड्स हाउस इज आई डोंट नो बट उसकी मम्मा ही बनाती होगी वो आपको लिखना है। बाइंग थिंग्स फ्रॉम द मार्केट, सब कुछ जब मार्केट से लाना रखना होता है वो कौन लाता है? तो माई फादर हेल्पिंग माई मदर टू बाइंग हर सम थिंग्स एंड स्वीपिंग, स्वीपिंग मतलब की क्लीनिंग, घर का पोछा करना होता है वो सब स्वीपिंग एंड क्लीनिंग यूटेंसिल मतलब की बर्तन करना है वो सब कौन करता है? तो आई ऑल्सो डू दिस, मैं खुद करती हूँ। और आपकी फैमिली में कौन करता है वो आपको लिखना है। फिलिंग द वाटर, पानी जो हम भरते हैं पीने का या टंकी का कोई भी वो कौन करता है? तो आई डू ऑल दिस थिंग्स आई ऑल्सो एंड देखो मेरे फ्रेंड के अंदर कौन करता है, मेरे फ्रेंड के घर के अंदर तो स्विमिंग तो उसकी सिस्टर करती होगी, क्लीनिंग वो खुद करती होगी, वो आपको डिसाइड करके लिखना है। देखो पेज नंबर 97 पर क्या दिया गया है, द नेम ऑफ सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो, एड अ सम मोर नेम्स टू द लिस्ट कलर विथ ग्रीन अराउंड दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, कलर विथ रेड अराउंड दोज आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। क्या बोल रहे हैं देखो इसके अंदर कि ये जो हमें आइटम दी गई है जैसे कि है हनी कॉर्न स्पेनिश एग टोमेटो टर्मरिक मिल्क पोटेटो मीट अनियन फिश लेमन अजवाइन एंड बनाना, उसके अंदर से हमको पेड़ मतलब कि प्लांट कौन देता है और जो हम एनिमल्स के अंदर से लेते हैं वो कौन है? तो उसके जो एनिमल्स किसे हमें मिलता है उसके ऊपर हमें रेड कलर करना है और जो पेड़ पौधा मतलब कि प्लांट या ट्री से हमें मिलता है उसके ऊपर हमें ग्रीन कलर करना है। जैसे कि हनी है, हनी कहाँ से मिलेगा? तो वो तो मक्खियों से मिलता है तो हमें क्या करना है उसके ऊपर रेड कलर। कॉर्न मतलब क्या होता है, मकाई, तो वो सब आपको सोचना है और उसके ऊपर रेड एंड ग्रीन कलर करना है। अब देखो नीचे क्या लिखा है, When you are sick, अगर आप बीमार पड़ जाओ, जब आप बीमार पड़ो, do you take any medicine from the plant?
कोई भी मेडिसिन लेते हो प्लांट के अंदर से, व्हेन डू यू टेक व्हेन, और अब क्या लेते हो और कब लेते हो? तो मेडिसिन के अंदर तो हम क्या करेंगे, मुझे पता है तब तक तुम्हें प्लांट की कोई मेडिसिन यूज नहीं कर रही हो, लेकिन आप जो करते हो तो फिर आपको लिखना है, जैसे कि गेट हर्ट्स, अगर हर्ट्स हो जाओ, गिर जाओ, लगे कुछ भी, तो क्या करेंगे, मेडिसिन करोगे? तो टर्मरिक इज बेस्ट मेडिसिन टू एनी हर्ट्स, एंड जो हमें अस्पताल जाना हो तो क्या करेंगे, तो उसके ऑर्थोपेडिक के पास जाएंगे, तो अगर हमें स्टॉमिक का दर्द हो, पेट में दर्द हो, तो क्या करेंगे, तो अजवाइन हम खाएंगे, अजवाइन से शायद पेट का दुखावा कम हो जाता है, और जो हमें डॉक्टर के पास जाना हो तो एमडी डॉक्टर के पास जाते हैं। हैव कॉफ एंड कोल्ड, अगर हमें सर्दी जुकाम हो जाए तो क्या करेंगे, सर्दी जुकाम के लिए तो हमें प्लांट के अंदर से तुलसी एंड वीक्स इज एंड क्या बोलते हैं उसको, अरदूसी, वो सब भी अच्छे मेडिसिन है। फिर अगर अस्पताल में जाना हो तो एमबीबीएस के पास जाते हैं। हैव अ टूथ एग, अगर हमें टीथ के लिए कोई दवाई चाहिए तो बम्बू ट्री इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एंड जो हमें अस्पताल में जाना हो तो डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। पीछे देखो, चूज द करेक्ट बास्केट फ्रॉम ईच आइटम, ड्रो लाइन टू मैच, हमें बहुत सारी आइटम्स दी गई है, उसके अंदर से हमें मैच करना है कि फ्लावर कौन है, जो फ्लावर्स के ऊपर होते हैं तो फ्लावर्स के ऊपर हमें सब ज्वाइन करना है, लीव्स कौन है तो लीव्स के पत्ते के ऊपर हमें लीव्स के साथ चेक करना है, फ्रूट कौन कौन से है तो फ्रूट के ऊपर, फ्रूट की टोकरिया दी गई है, टोकरिया सब उसके ऊपर हमें मैच करना है। यहाँ हमारा 48th नंबर का चैप्टर फूड है वो फिनिश होता है, और थैंक यू सो मच।